कब तक हमारे जवान अपनी बलि देते रहेंगे और कब तक बड़े अधिकारी जवान का शोषण करते रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कई बार देखने में आता है कि बड़े अधिकारी उसका आर्थिक शोषण करते हैं, मानसिक शोषण करते हैं, शारीरिक शोषण तक करते हैं, और ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये फांसी का फंदा ये इस जवान के गले में नहीं है, ये इस समाज के गले में पड़ा है। अगर सच मायने में हम समझें तो ये फांसी का फंदा इस जवान के गले में नहीं है, ये पूरे समाज के गले में है। और ऐसी प्रथा, इतनी प्रताड़ना कि एक जवान को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ जाए, सुसाइड कर ले, अपने आप को खत्म कर दे, कितना प्रताड़ित किया गया होगा उसको, सोचो। वो अधिकारी कैसा तानाशाह रहा होगा जिसने उस जवान के ऊपर दया नहीं आई, तरस नहीं आया, इतना मजबूर किया गया होगा इस जवान को, तब जाकर के इन्होंने अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर दी। आज फिर कह रहा हूं, ये वीडियो आपको पूरा देखना ही होगा, पूरा जरूर देखना इसको, तब आपको समझ में आएगा कि एक जवान को कितना प्रताड़ित किया उसके अधिकारी ने कि उसने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। और सुसाइड नोट लिखा है, वो दिखाता हूं मैं आपको। देखिए साथियों, जिन्होंने सुसाइड किया है उनका नाम है हवलदार बसंत कुमार। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वो 133 बटालियन सेक्टर 2 धुरवा रांची के अराजपत्रिक अधिकारी मैस के मैस कमांडर के रूप में काम करते थे। उस मैस के डिप्टी कमांडर मृत्युंजय कुमार सचिव हैं। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ही लिखा है कि उनके द्वारा एक माह से बसंत कुमार को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। और किस तरीके से, देखियो, उनके पास मैस का बिल लगभग 9,000 रुपए और लीकर का बिल लगभग 6,926 रुपए और तथा 6,050 रुपए नगद, मतलब कुल हो गए 21,976 रुपए का बिल बकाया था। वो हमेशा उसको उस राशि को, उस पैसे को एडजस्ट करने के लिए बोलते थे कि इस पैसे को एडजस्ट कर, पैसे को एडजस्ट कर। और वो छोटा कर्मचारी जिसकी कोई सुनवाई नहीं, कौन सुनते है छोटे कर्मचारी की। और वो छोटा कर्मचारी वो बार बार गुहार लगाता रहा कि साहब मैं इतना बड़ी रकम, इतना पैसा कहां से एडजस्ट करूंगा, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अधिकारी का लगातार दबाव बनता रहा कि इसको एडजस्ट कर, इसको एडजस्ट कर, उस एडजस्ट करवाने के लिए। और जबकि अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र रुपए कितने की बात है देखो, मतलब मात्र 21,976 रुपए को लेकर के अधिकारी इतना दबाव बना रहा है जवान के ऊपर, इतना दबाव बना रहा है कि उसको एडजस्ट कर। क्या मतलब क्या फर्क पड़ जाता है अगर अधिकारी साहब उसके 21,976 जो कि आपके पास बकाया है वो चुकाने में। और देखो, जिसको लेकर के वो काफी तनाव में रहते थे, तब जाकर के उन्होंने सुसाइड किया। आगे उन्होंने लिखा, सुसाइड में उन्होंने ये भी लिखा, एसपी के नाम सुसाइड नोट लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे मरने के बाद उस अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई करी जाए, मुझे डिप्टी कमांडेंट द्वारा बार बार सजा के तहत जांच कराने और कड़ी कार्रवाई की धमकी देते हैं, मैं बहुत मजबूर होकर यह कदम उठा रहा हूं। उसने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि जिसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता, किसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं होता, लेकिन मजबूरी में ही गलत कदम उठाया जाता है। उन्होंने अंत में लिखा कि डिप्टी कमांडेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई जवान इस प्रकार का कदम ना उठाए। बहुत बहुत बस क्या बताऊं, मतलब सोचो कितना वो उसको प्रताड़ित किया जा रहा होगा जिसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। धन्यवाद दूंगा आप सभी को सबसे पहले तो कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, वीडियो को पूरा देखा, क्योंकि आप एक खुद इस देश के रक्षक रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दिल में दर्द, आपके दिल में वो भाव हैं कि वो जवान की क्या समय रहा होगा जिस समय उसने ये अपने आप को ख़त्म किया है।
धन्यवाद दूंगा और चाहूंगा सरकार से कि कार्रवाई पूरी तरीके से की जाए, जो इस तरह के अधिकारी हैं जो हमारे जवानों को तड़फाते हैं, जो हमारे जवानों को परेशान करते हैं, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर और अनेकों तरह से उनको परेशान किया जाता है। बस धन्यवाद।